कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई ट्रैफिक की ये नहीं, सब चलता है। हिमालय तो खैर बुलाते ही रहते हैं, फिर आएंगे। सुप्रभात, अभी हम नेचर्स ग्रीन रिजॉर्ट भीमताल में है और ब्रेकफास्ट करने आए तो माता जी के इतने बढ़िया भजन यहाँ पे चल रहे थे, पूरा वातावरण एकदम भक्तिमय हो गया। उसके साथ हम ब्रेकफास्ट करने बैठे तो अभी देखिए ब्रेकफास्ट में हमने अभी पहले फ्रूट्स खाया, अभी तो फ्रूट्स खत्म हो गया, यहाँ पे हमने खा लिया तो वी हैड वेरी नाइस पपाई, उसके बाद में वी हैड मेयो सैंडविच, उसके बाद गर्मा गर्म पोहा, पूरी भाजी, देन वी हैव पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स हो गए यहाँ पे, और व्हाट इज दैट, ओट्स। तो ये सब अभी हम खाने वाले हैं एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द डे विद वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे देखते रहिए, कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड यू टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। कैरव और उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे स्नूकर खेलने के लिए, तो वो लोग खेल रहे हैं यहाँ पे पूल टेबल पे, और ये गया, ओ वाओ शॉट। ओके, नेचर्स ग्रीन पार्क ना, भीमताल, नेचर्स ग्रीन रिजॉर्ट भीमताल में, इट्स अ वंडरफुल 3-स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी। हम यहाँ रुके हैं, कल रात को आए हम मुंशियारी से और यहाँ पे रुके, तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, लोकेटेड जस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम भीमताल, और यहाँ से पूरा ये फॉरेस्ट जैसा कवर है, गांव है एक्चुअली, गांव के बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है। और अभी वी हैड वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं एंड वी टुक अ सुपर डिलक्स कैटेगरी रूम, वहाँ पे स्कॉर्पियो पार्क्ड है, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, कैरव ने आइडेंटिफाई की, तो ये टाइम इस ये प्रॉपर्टी में रहने का प्लानिंग ये कैरव का था। We have really enjoyed and we appreciate your decision. हमें बहुत अच्छा लगा तूने ये डिसाइड किया, सर्वे सर्च किया नेट पे और बाद में फाइंड आउट किया, तो नाउ वी विल बी ऑल्सो एडिंग दिस प्रॉपर्टी इन आवर अमेजिंग एडवेंचर्स ट्रैवल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे इनके पास ऐसे एक्सक्लूसिव रूम्स है जिससे अलग अलग व्यूज है। दिस इज कॉल्ड अ लग्जरी रिजॉर्ट इन भीमताल, नेचर्स ग्रीन रिजॉर्ट एज यू हैव सीन द बैनर। सो ये इन्होंने कुछ स्पेशल इसके बारे में बताया तो हमने कहा चलो लेट्स सी हाउ इट इज। सो ओ वाओ, सो ये ड्यूप्लेक्स की तरह होता है। यस मैम। ओके, सो ये दिस इज अ सिटिंग एरिया, बेडरूम, वॉशरूम, एंड वॉशरूम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक। ऊपर बेड रखा है इन्होंने, अगर बड़ी फैमिली आती तो एक साथ रह सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर अ बिग फैमिली, यस, साथ में रहने के लिए, और ऊपर स्टार गेजिंग के लिए दे हैव केप्ट अ ओपन स्पेस जहां से रात को तारे देखते देखते आप सो सकते हो। सो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और ऑफकोर्स कॉन्सेप्चुलाइज्ड रूम है, सो मजा आया हमें देख के। और हमें पहले लगा था कि दिस इज एग्जैक्टली गिविंग अ व्यू ऑफ भीमताल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये व्यू देता है एक विलेज का, एंड ऑफकोर्स वहाँ पे छोटी सी वैली है पर बहुत ही अच्छा है। सुबह उठने के बाद हमारे सूर्य भगवान के दर्शन हुए बिकॉज इट इज ईस्ट फेसिंग गैलरी है। आप यहाँ पे रह के नैनीताल, सात ताल, नौकुचा ताल और बाकी सारे एरियाज, कैची धाम, ये सारा घूम के वापस आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू कैन हैव अ वेरी पीसफुल स्टे हियर। सो ये अब वापस रिटर्न जर्नी की शुरुआत पहाड़ों से अभी प्लेन्स में जाने की हो रही है। सो शुरुआत होने से पहले ये एज यूजुअल सारे टायर्स की हवा चेक की जा रही है एंड टायर इन्फ्लेटर से वापस हम थोड़ी थोड़ी हवा भर रहे हैं उसमें सो दैट वी कैन हैव अ सेफ ट्रैवल। तो अब हम निकल पड़े हैं अपने घर की ओर, यहाँ से निकल रहे हैं भीमताल से और आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स जयपुर, तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं, बने रहिए।
पहाड़ों से उतरने का दिल नहीं करता है, क्योंकि पहाड़ में आने के बाद में हिमालय तो खैर बुलाते ही रहते हैं, फिर आएंगे और ज़रूर आएंगे ये वादा करते हुए पहाड़ों से उतरते हैं नीचे प्लेन्स की तरफ। तो आप भी चलिए साथ में। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, उंदीर मामा की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, नीम करोली बाबा की जय। ये है भीमताल, ट्रैफिक शुरू हो गया है। क्या नजारा है, बहुत ही बढ़िया। बोट मध्ये साइकिलिंग होते है। सो ऐसा अभी ट्रैफिक वाला रोड हमारा शुरू हो गया है। ओहो हरियाणा, बस अभी ये ओवरटेकिंग और थोड़ा सा ट्रैफिक वाला रास्ता। कैसा लग रहा है सचिन अभी ड्राइव करने के लिए? अभी जस्ट शुरू किया है, थोड़ा वार्म अप हो रहा है ड्राइविंग में। ओके ओके, तो अभी पहाड़ों से भी प्लेन्स में जाते वक्त यही सब फेस करना है हमें, बट नो डाउट वी आर एंजॉयिंग द ड्राइव। आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में नगर पालिका परिषद नैनीताल। दिल्ली बरेली रामपुर ये सब रोड दिखने लगा मार्किंग्स। सो अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट प्लेन्स में, मतलब नीचे उतर गए हैं पूरा घाट। यस यस उतर गए। तो अब हम ऐसे आ गए हैं नीचे हल्द्वानी, और अभी ये हल्द्वानी हम क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक वाला रोड तो अभी फुल ऑन शुरू हो गया है, सो बस वी आर वेटिंग। चलिए अभी फ्यूल स्टेशन पे आ गए हैं, टाइम टू फिल अप द फ्यूल एंड देन मूव अहेड। सो ये रूट अब जा रहा है पंतनगर एयरपोर्ट, रुद्रपुर, रामपुर और दिल्ली। चलो चले। म्हटलं गाडी थांबवतील आणि ऍपल घेतील, पण अरे गाडी पार्किंगला जागाच नव्हती कुठे शिल्लक। न खायचे ऍपल, डोहाय लागलेत ऍपलचे, आणि आता आम्ही शोधतोय ऍपलचं दुकान किंवा स्टॉल, बघूया। मिळणार नक्की। तो ये एप्पल 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 करते करते फाइनली अभी हम ये एक जगह पर रुके हैं जहाँ पे फ्रूट वाला है, और यहाँ से अभी एप्पल खरीदे जा रहे हैं और हम अभी एप्पल खाएंगे और फिर जाएंगे अगले मंजिल की ओर। ये देखिए ये बस है महेंद्रनगर दिल्ली। महेंद्रनगर ये नेपाल में आया है, तो नेपाल भारत मैत्री बस सेवा महेंद्रनगर दिल्ली महेंद्रनगर ये चलती है। भारत का तिरंगा है राइट में। गाड़ी नेपाल की है, देखो नेपाल का नंबर है इसमें, इंडिया का नंबर नहीं है। वो भी ऐसा लिखा है नंबर कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सा क्या नंबर है। तो जब ऐसी बसें इंडिया नेपाल में जाती है तो नंबर्स प्रॉपरली लिखने जरूरी है। देयर इज अ बस सर्विस फ्रॉम काठमांडू टू महेंद्रनगर, तो ये नोट करने सी बात है। Good initiative by both the countries. झोपला होता वाटतं लेफ्ट टर्न मारायचा आहे म्हटल्यावर। अब हम है एक जंक्शन पे, ये रामपुर की तरफ जा रहा है। बीच बीच में काफी काम चालू है रस्ते का, अभी हम जा रहे हैं। अच्छा ये बीच में वही है सर्कल जहाँ पे रामपुरी चाकू रखा हुआ है। एक मिनट, हाँ अगर देख पाए हम ये, तो ये रहा रामपुरी चाकू सामने, और अब हम हो रहे हैं दिल्ली की ओर रामपुर होते हुए। शायद से कुछ ही सालों में ये रामपुर बाईपास भी बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन देखा हमने बीच में। जो ये सारा गांव मतलब रामपुर अंदर से हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
बायपास करके हम आगे बढ़ सकेंगे। ये पेड़ की छाले है जो ट्रक लेके जा रहा है, फुल्ली लोडेड नहीं ओवरलोडेड है। अरे रे रे गिर रहा है कुछ कुछ। ओ हो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, कोई ट्रैफिक की ये नहीं, सब चलता है। ये अभी हम यहाँ से राइट लेंगे मुरादाबाद की तरफ, जो आगे हमें ले जाएगा दिल्ली। पर मुरादाबाद तो हमने बाईपास किया था ना आते समय, होगा ना आगे है ना बाईपास उसका। But right now we have to go towards the right. ये अभी हम तो रामपुर क्रॉस कर रहे हैं पूरा। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा हम क्रॉस करते हैं और उसी में ये रामपुर क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सालों पहले हमेशा ये रामपुरी चाकू बहुत फेमस हुआ करता था, बचपन से हम वो सुनते आ रहे हैं। सो यही है वो रामपुर जिसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। डेवलपमेंट पहले से तो डेफिनेटली बेहतर है यूपी में, रास्ते बेटर है, साफ सुथरे हैं, थोड़े बड़े हैं। रामपुर में से हम जा रहे हैं, रामपुर बाईपास का जो काम है ना बहुत स्लो गति से चालू है और यहाँ पे भी देखो कितना ट्रैफिक है। काम हमेशा डिले होते जाता है, लोगों का कोई डिसिप्लिन है नहीं यहाँ पे, गाड़ी वाले भी कैसे भी घुस रहे हैं लोकल गाड़ी वाले। ये सब इनडिसिप्लिन बिहेवियर की वजह से ये सब होता है और देखो कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना प्रोडक्टिव टाइम इज एट लॉस। ट्रैफिक खुल गया है यहाँ पे, खुला मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ा है और अभी हम आगे जाके कहाँ जाना है, लेफ्ट राइट कहाँ? राइट। सो नाउ फाइनली हम अभी ये NH9 पे एंट्री कर ली है। ड्राइविंग फ्रॉम भीमताल नियरिंग दिल्ली, हम यहाँ पे आए हैं हल्दीराम में to have food because we have not had food. This serves almost everything. What do you feel? How is this place? Very good. In fact, we have taken a U-turn going ahead. Came back almost 2.5 kilometers for this. है ना? और उसके पहले service road पे 3 kilometers से चल रहे हैं. So there was a great struggle. Yeah. So this is the place all together. And let's see. What have you ordered? We ordered chaat items for thoda Chinese. It's a mix order किया है. Okay, great. Let's have it then. So, ऐसा लग रहा था कि हल्दीराम is only into dry snacks and on sweets, but they also have Manchurian rice and other food. जैसे पूरा lunch वगैरह भी उनके पास है। हाँ। Right. Yes. Good. से हमने लिया है पानी पूरी, एक सूजी की और एक मैदे की, फिर ये कौन सा स्वीट है, ये रास कदम, फिर ये लिए पनीर पकोड़ा है, सब अलग अलग चीज़ें हैं और ये मंचूरियन राइस है और आलू टिक्की विद दही वगैरह आ रहा है अभी। सो दिस इज़ द प्लेस, गुड एम्बियंस, वेरी नाइस। अभी हल्दीराम में नाश्ता करने के बाद में हम अभी गढ़ मुक्तेश्वर क्रॉस करके आगे आए हैं। ये देखिए टोल प्लाजा आ गया है, ब्रिज घाट टोल प्लाजा। तो ब्रिज घाट टोल प्लाजा पार करके हमने पहले सोचा था कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेकिन हमें दिल्ली तक ही रुकना पड़ेगा, तो हम दिल्ली में रुक के फिर कल जो सुपर एक्सप्रेस वे वो लेके आगे बढ़ जाएंगे गुजरात की ओर। तो दैट्स इट फॉर टुडे, देखते रहिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आपको ट्रैवल रिलेटेड, so please feel free to contact Amazing Adventures and we shall be of help to you. Thank you. So here we have checked in this the Golden Tulip Hotel Vasundhara mein and my mom and dad are there, jo formalities kar rahe
and we will be going up in the room and I will be showing you the room now. So let's go ahead. This is a beautiful hotel, more like a business hotel. So let's see how are the services here and how do they provide us the rooms. Finally, after driving 300 kilometers from Bhimtal, अभी हम Golden Tulip दिल्ली में आ चुके हैं. The intention was to go ahead, लेकिन हो नहीं पाया because lot of traffic और कंटाला भी आ गया था. So we're winding up और अभी हम देखेंगे क्या ही है. Room है, यहाँ पर हम rest करेंगे. After a great day, Royal Tulip, Delhi.